नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम आपके। मलयाली फिल्म इंडस्ट्री से लगातार महिला कलाकारों के साथ हो रही शारीरिक शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच अनिल कपूर की को स्टार रह चुकी एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने बताया है कि उनके साथ पिता ने ही शारीरिक शोषण किया था। सालों तक चुप रहने के बाद अब एक्ट्रेस ने मामले पर आवाज उठाई है। एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है, हमारी इंडस्ट्री से आ रही मी टू के मामले अंदर से तोड़कर रख देने वाले हैं। उन महिलाओं को सलाम जो अपनी बात पर डटी रहीं और जीती रहीं। दुष्कर्म के मामले रोकने के लिए हेमा कमेटी की जरूरत थी, लेकिन क्या इससे ये बंद होगा? अब्यूज करना, सेक्सुअल फेवर मांगना और महिलाओं से ये अपेक्षा करना कि वो समझौता करेंगी, यह हर फील्ड में होता है। महिलाएं ही अकेले क्यों ये झेले, पुरुषों के साथ भी ये होता है, लेकिन खामियाजा महिलाएं ही भुगतती हैं। आगे एक्ट्रेस ने लिखा, मैंने इस बारे में अपनी 24 साल और 21 साल की बेटियों से बात की। मैं देखकर हैरान थी कि वो पीड़ितों को किस तरह समझ पा रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बारे में आज बोल रहे हैं या कल, बस बोलिए। तुरंत बोलने से इन्वेस्टिगेशन बेहतर ढंग से हो सकेगी और आप तेजी से हिल हो सकेंगे। अपने ट्वीट में आगे एक्ट्रेस ने लिखा है, एक महिला और माँ होने के नाते इस तरह की हिंसा न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा को झकोर देती है। क्रूरता के ये मामले हमारे भरोसे, प्यार, ताकत और नींव को हिला देते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि पिता द्वारा शोषण झेलने के बारे में ये सब कहने में इतनी देर क्यों लगा दी। मैं मानती हूँ कि मुझे सब पहले कहना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी समझौते के लिए नहीं हुआ। मुझे इस व्यक्ति के हाथों शोषण मिला जो मेरे गिरने पर मुझे सहारा देने वाला सबसे ताकतवर हाथ होने चाहिए थे। अपने ट्वीट के आखिर में एक्ट्रेस ने लिखा है, इसे समझते हैं कि कई महिलाओं के पास उनके परिवार का सपोर्ट नहीं है। वो छोटे शहरों से अपनी आंखों में चमक लेकर इस उम्मीद से आती है कि वो यहाँ चमकेंगी, लेकिन अक्सर उनके सपनों को कुचल दिया जाता है। ये एक वेकअप कॉल की तरह होना चाहिए। इस शोषण को यहाँ बंद करो। महिलाओं को खुलकर बोलना चाहिए। याद रखिए कि आपके पास जिंदगी में हमेशा चॉइस होती है। आपके ना का मतलब ना है। कभी अपनी गरिमा से समझौता मत करिए। एक महिला और एक माँ के रूप में मैं सभी पीड़ितों के साथ खड़ी हूँ। मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक शोषण के मामलों के लिए 2019 में हेमा कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी ने 4 साल बाद 19 अगस्त को केरल सरकार को एक 233 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कई बड़े एक्टर्स द्वारा शारीरिक शोषण किए जाने के मामलों का जिक्र है। रिपोर्ट सामने आते ही कई एक्ट्रेसेस अपने साथ हो रहे शोषण की घटनाओं पर खुलकर बात कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने सीनियर मलयाली एक्टर मुकेश समेत 7 कलाकारों के खिलाफ हैरेसमेंट करने की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं एक्ट्रेस रेवती संपत ने भी सीनियर एक्टर सिद्दीकी के खिलाफ धारा 354 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। इन मामलों की जांच की जिम्मेदारी SIT को सौंपी गई है, जिसे इस तरह के मामलों के लिए बनाया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।